नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक मनोज पाठक ने कालडूंगी विधानसभा के रामपुर विद रामपुर ग्राम सभाओं में आने वाले 30 दिसंबर को हल्द्वानी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी करते हुए मातृशक्ति को ग्रामवासियों से जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर संवाद के दौरान मातृशक्ति और ग्रामवासियों को देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि अब की बार विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी 60 के पार का ग्रामवासियों से संकल्प लिया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां काफ़ी तेज हो चुकी हैं और इसी कड़ी में जो है बीजेपी का नारा इस बार दिया गया है कि अब की बार 60 के पार सीटें बीजेपी प्रदेश में जीतेगी। इसीलिए तमाम जगहों पर जाकर ग्रामवासियों को सरकार की तरफ से किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी जा रही है। आज चकलवा क्षेत्र के रामपुर और बिद्रामपुर क्षेत्र के निवासियों को आगामी मोदी जी के 30 तारीख को हल्द्वानी आगमन पर सबको निमंत्रण दिया और उत्तराखंड के विकास के लिए भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जितने काम किए हैं उनके लिए धन्यवाद, और जो लोकार्पित कर योजनाओं को समर्पित करने वाले हैं उन सब के बारे में जानकारी दी। और बहुत लोग उत्साहित हैं मोदी जी के आगमन पर, सब लोग स्वागत करने के लिए उमड़ कर आएंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस के द्वारा सैनिकों के सम्मान में निकाले जाने वाली प्रमाण यात्रा को बीजेपी ने चुनावी ढकोसला करार दिया है। बीजेपी का साफ कहना है कि हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले जनरल बिपिन रावत का नाम भूलने वाले नेताओं की पार्टी केवल वोट बटोरने के लिए प्रमाण यात्रा निकाल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने ऋषिकेश स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साफ कहा कि सैनिकों का सम्मान केवल बीजेपी करना जानती है। कांग्रेस द्वारा दिखावे के लिए, सैनिकों के सम्मान के लिए जो यात्रा निकाली जा रही है वो केवल एक चुनावी शगुफा है, ढकोसला है, जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने हमेशा सेना सैनिकों का अपमान किया है। और ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जो हमारे सामने है कि जब उन्होंने सैनिक अधिकारियों के प्रति भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। वन रैंक वन पेंशन को रोकने वाले, सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने वाले, और इसी प्रकार से जनरल मौनिक शॉ की पेंशन में रुकावट डालने वाले, और साथ ही अन्य प्रकार से सैन्य विरोधी काम करने वाले कांग्रेस के नेता, तो कांग्रेस सम्मान सैनिक सम्मान की बात तो अपने आप में ये क्रूर मजाक लगता है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में हाशिए पर पहुंच चुकी समाजवादी पार्टी भी 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूती दिखाना चाहती है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी का एक स्थानीय होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की गलत नीतियों के चलते आज उत्तराखंड प्रदेश का विकास पूरी तरह से ठप हो चुका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड का विकास पूरी तरह से ठप हो चुका है। उत्तराखंड में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का समय होने वाला है। हाशिए में नहीं है, इस समय चर्चा में है। समाजवादी पार्टी का संगठन, जब हमने पिथौरागढ़ में अपना कार्यालय खोल दिया, जब डीडी घाट और धारचूला में हमारा प्रत्याशी काम कर रहा है, चमोली जनपद में हमारा कार्यालय है, सभी जनपदों में हमारा कार्यालय है। हाँ, हाशिए में हम विधायक नहीं है हमारा बस। और अब 2022 में यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव में समाजवादी पार्टी प्राथमिकता यहाँ के लोगों की है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लालकुआ के लोगों को मालिकाना हक देने की बीजेपी सरकार की घोषणा सिर्फ दिखावा है। यदि इसी सर्कल रेट पर उन्होंने मालिकाना हक देना था तो 4.5 साल पहले ही क्यों नहीं दे दिया था, जिससे अनेक लोगों को फायदा होता और रोजगार के नए साधन उत्पन्न होते। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में हर तरह के हथकंडे अपना कर जनता को बरगलाने का काम कर सकती है। देखिए, लालकुआ निवासियों को मालिकाना हक दिए जाने की मांग लंबे समय से की जाती रही थी और हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ये था। और जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए तो उनके द्वारा हमारी घोषणा में भी शामिल था। एक बिरजा हल्ला मत कर, जो कैबिनेट ने एक निर्णय लिया कि विभिन्न क्षेत्रों में भूमि है सो किस प्रकार मालिकाना हक मिले। गदरपुर में रीढ़ चक्की मोड़ रामलीला प्रांगण में महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रीना कपूर के द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि महिला सम्मेलन के मुख्य अतिथि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा का महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्र के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन को संबोधित किया और सम्मेलन को संबोधित करते हुए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं का मान करती आई है और आगे भी करती रहेगी। इसकी खंडन हमने भी की है, मेरी पार्टी ने और मेरी कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप ने। हम इतने महिलाओं के हित में बात करते हैं कि अगर हमारे खुद के विधायक ने भी कुछ गलत किया हो तो उस बात का निंदा करते हैं। हम इनके जैसे नहीं हैं जो अपने घर में ही और अपने विधानसभा में ही रेपिस्ट रखे। हम वैसे नहीं हैं। जो दुख की बात है कि इस सरकार में जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है उनके खुद के पति रेप एक्यूज्ड है, वो उसको भी छुपा रही है और बचा रही है। प्रियंका गांधी जी ने भी उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है और यहाँ भी यही चल रहा है कि महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग करा जाएगा। मैंने 2009 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, बहुत अच्छी वोटों से विजयी हुई थी। नैनीताल दुग्ध संघ लालकुआ पहुंचा, जहां पर हिमालयन ट्रस्ट गरुण बागेश्वर दल ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ में महत्वपूर्ण जानकारी ली। आपको बता दें कि ट्रस्ट दल ने मुख्य दुग्धशाला का भ्रमण किया और कैसे दूध का प्रयोग किया जाता है और उससे क्या क्या बनता है इसके बारे में भी जानकारी ली। हिमालयन ट्रस्ट गरुण बागेश्वर दल ने दुग्धशाला में बन रहे पनीर, घी, मट्ठा, योगर्ट, मक्खन, दही, घी के बारे में बारीकी से जानकारी हासिल की। इसके अलावा दुग्धशाला में लगी हाईटेक मशीनों को भी देखकर ट्रस्ट दल खुश हुआ और ये हाईटेक मशीनें कैसे चलती हैं इसके बारे में भी जानकारी ली। सर, हम लोग अभी जो हिमालयन ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जनपद बागेश्वर के गरुड़ विकास खंड में हम लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने कोऑपरेटिव का गठन किया है और कुल हमने करीब वहाँ पर 50 समूह बने अभी। तो उनका जो कोऑपरेटिव संगठन बना है वो विभिन्न क्षेत्रों में काम तो कर रहा है आयवर्धन के क्षेत्र में, लेकिन दुग्ध का एक बहुत बड़ी संभावना हमको नज़र आती है। पर उसको थोड़ा सा दुग्ध को कैसे हम बढ़ाएंगे, कैसे उसका हम संग्रहण करेंगे, कैसे प्रोसेसिंग करेंगे और उसके बाद कैसे उसकी मार्केटिंग पर हम लोग जाएंगे, ये सब सीखने के लिए आज एक भ्रमण दल, 10 सदस्य भ्रमण दल महिलाओं का नैनीताल और यहाँ लालकुआ में आया हुआ है। भारतीय किसान यूनियन ने उत्तम शुगर मिल प्रबंधन और नेशनल हाईवे अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और उत्तम शुगर मिल गेट पर धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। किसानों ने उत्तम शुगर मिल के प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को 12 से 14 घंटे तक मिल गेट पर खड़ा रहने देते हैं, जिसकी वजह से किसानों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और नेशनल हाईवे पर सर्विस रोड न होने की वजह से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन जिम्मेदार
खदान विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं किसानों ने कई बार नेशनल हाईवे मिल प्रबंधक से सर्विस रोड बनवाए जाने की मांग को लेकर अधिकारियों से गुहार भी लगाई, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उत्तम शुगर मिल के गेट पर ही धरना प्रदर्शन दिया। किसानों ने धरने की सूचना पर मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। आपको बता दें कि किसानों के धरने की सूचना पर नेशनल हाईवे और मिल प्रबंधन की अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्द ही सर्विस लाइन बनवाए जाने और किसानों का जल्द गन्ना तोले जाने का आश्वासन उन्हें दिया गया। आज किसान आए हैं, अभी 13 तारीख को ना यहाँ एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, उसी को लेकर किसान आज जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ। NHAI की वजह से एक सर्विस रोड आज तक मर्ज नहीं हो पाया। हाईवे के साथ जो सर्विस रोड है जो मिल के सामने से गुजर रहा है, तो वो जो किसान सड़क पर चढ़ता है वो 90 डिग्री का कोन बना के चढ़ता है। वो हाईवे वालों को हम भी नहीं कई बार अवगत करा चुके हैं कि इसको ठीक करा दो, और किसान भी जा चुके हैं पर उन्होंने आज तक वो ठीक नहीं करा। तो ये हाईवे वालों की मेन समस्या है, वो बार बार झूठ बोलते रहते हैं, हम करा देंगे, आज तक नहीं कराई। और आज NH वाले अधिकारी एक दो लोग मौके पर आए थे, अजय प्रताप सिंह, उन्होंने आश्वासन दिया है और हम आने वाले एक सप्ताह में इसको ठीक करा देंगे। पहले तो किसान बहुत अपनी फसल में रहता, फसल बना हुआ उसे लेकर वो हर मील में 2 या 3 घंटे में टोली खाली हो जा। मरा मील इतना भला बेचारा किसान को 12-12, 14-14 घंटे में भेज जाओ, रात धुंध पड़ रही, जाड्डा हो रहा, वो निकल कर चला गया। मील अपने बाउंड्री के अंदर भी खराब रखो और बाहर भी खराब रखा। कुछ असामाजिक तत्व ना हाईवे सर्विस रोड थी जो बनने दे रहे। नगर निगम में शामिल करने की मांग को लेकर कृष्णा नगर और खांड गांव के निवासियों ने शहर में जन अधिकार रैली निकाली। इस दौरान तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी मांग को जायज ठहराते हुए रैली में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोगों ने प्रदर्शन भी किया। दरअसल ऋषिकेश में कॉलोनी के निवासियों ने आरोप लगाया कि सरकार कॉलोनी के निवासियों को केवल वोट बैंक के रूप में यूज कर रही है, चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधियों की सुद लेने को भी तैयार नहीं है। पिछले 2 महीने से त्रिवेणी घाट पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके किसी भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं देकर साबित कर दिया है कि चुनाव के समय कॉलोनी के निवासियों से किए जाने वाले वादे केवल कोरे हैं। धरने के 66 दिन हो गए, आज हमारी रैली निकल रही है और हम इस आंदोलन को तेज करने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा मांग पूरा नहीं हुआ, नगर निगम में शामिल नहीं हुआ, इस बार इस विधानसभा चुनाव में खेला हो गए, बस ये हमने तय कर रखा है। कौन-कौन लोग ये रैली में शामिल? आज सभी पार्टी के लोग आए हुए हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी लोग हैं, उत्तराखंड कांग्रेस के भी लोग हैं, UJP के भी लोग हैं, सभी लोग कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं। सर्वदलीय लगभग 1000 के आसपास लोग हैं। अभी तो समापन करेंगे, उसके बाद फिर तय करेंगे कार्यक्रम क्या होगा, तय करेंगे उसको। रुद्रप्रयाग जिले में हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड वेतमान देने समेत 2 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारियों ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। वहीं कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार भी जारी रहा। आपको बता दें शासन प्रशासन की ओर से सकारात्मक कार्रवाई न होने से कर्मचारियों में खासा रोष बना हुआ है। आपको बता दें कि 7 दिसंबर से 2 सूत्रीय मांगों को लेकर NHM के कर्मचारी CMO कार्यालय के सामने कार्य बहिष्कार पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों ने कार्यालय के सामने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन किया और यज्ञ में जौ तिल और घी की आहुतियां भी डाली गई, जिससे सरकार को सद्बुद्धि आ सके। आज हम सभी NHM कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 12वें दिन भी क्रमिक कार्य बहिष्कार पर हैं और हमने आज सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन का आयोजन किया है, जिससे कि सरकार कोई सकारात्मक निर्णय ले, और अगर सरकार के द्वारा जल्द से जल्द इसमें कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो हम आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग की यूनिटों को माधा वाश्रम अस्पताल कोटेश्वर में शिफ्टिंग के विरोध में जिला अस्पताल परिसर में क्रमिक अनशन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने कहा है कि किसी भी दशा में अस्पताल को कोटेश्वर में संचालित नहीं होने दिया जाएगा। क्रमिक अनशन के बाद भी सरकार ने फैसला नहीं बदला तो आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। दरअसल गत 8 दिसंबर से स्थानीय जनता ने जिला अस्पताल को कोटेश्वर शिफ्ट किए जाने को लेकर आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन के पहले चरण में जनता धरने पर बैठी और अब क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि जिला अस्पताल को कोटेश्वर में शिफ्ट कर दिया गया है, ऐसे में जिले के साथ ही चमोली के मरीजों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन की हट धर्मिता की वजह से आज मरीज दिक्कतों से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं चाहता था कि अस्पताल की महत्वपूर्ण ब्रांचों को कोटेश्वर में शिफ्ट किया जाए, बावजूद इसके प्रशासन ने इन ब्रांचों को वहां पर शिफ्ट कर दिया है। निश्चित रूप से ये आज करीबन 14 दिन हो गए हैं और जिला अस्पताल जो हमने यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद के सरकार ने इसका विरोध उस दिन से हो रहा है और यहाँ पे अभी कर्मी कंसर्न भी शुरू हो गया है। निश्चित रूप से हमारा कोई विरोध नहीं है कि शंकराचार्य हॉस्पिटल में नहीं बनना चाहिए, वहाँ बेस हॉस्पिटल की हम मांग करना चाहते हैं, अच्छा हॉस्पिटल बनाने की मांग करना चाहते हैं। लेकिन हमारे दूर दराज से लोग बाग जो आते हैं यहाँ पे, मरीज जो यहाँ पे आते हैं उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा यदि हॉस्पिटल वहाँ शिफ्ट होता है। यहाँ पे तो आम जनता आती है अपना इलाज तुरंत करने के लिए साधन की और संसाधन की मिल जाते हैं। सड़क में खोदे गए गड्ढों को लेकर बूढ़ी माता व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने जल संस्थान का विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल व्यापारियों ने आरोप लगाया कि जल संस्थान निर्माण कार्य को लेकर लापरवाही बरत रहा है। दरअसल बूढ़ी माता मंदिर के पास दीपावली से पहले जल संस्थान द्वारा पाइप डालने का काम किया जा रहा था, लेकिन आज तक ये काम पूरा नहीं हुआ। ऊपर से सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे खोद कर खुले छोड़ दिए गए हैं। आए दिन राहगीर इन गड्ढों में गिर कर लोग चोटिल हो रहे हैं। उन्होंने जल संस्थान के अधिकारियों से इन गड्ढों को बंद कराने की मांग की, साथ ही मांग पूरी न होने पर उग्र विरोध करने की चेतावनी भी दी। तो तस्वीरें आप भी देख सकते हैं जहां पर दरअसल आपको बता दें कि पाइप डालने का काम अभी तक पूरा नहीं किया गया है और इसीलिए लोगों का ये विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। जल संस्थान की ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जल संस्थान के अधिकारियों को बार बार चताया गया, बताया गया कि आपके द्वारा यह जो सड़क के बीचों बीच यह गड्ढा किया गया है कि इन किन्हीं कार्यों को लेकर के, यह बीते एक माह से यह गड्ढा इसी तरह दीपावली से पहले से यह कार्य इसी तरह चलता आ रहा है। कल भी इसमें दो हमारी बालिकाएं, फेरूपुर की बालिकाएं हैं, मिश्रपुर के पास उनका निवास स्थान है, वो भी चोटिल हुई हैं, काफ़ी चोटिल हुई हैं, लग रहा था कि जैसे बिल्कुल अधमरी हो गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोगों ने उनको इन्फॉर्म किया, 2-3 बार कंप्लेन किए तो उन्होंने कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया। बोल रहे हैं कि प्रोसेस होता है, ऐसे ही काम चलता है और इसमें टाइम लगता है कि अंदर वो पाइप को ब्लॉक नहीं कर सकते। ब्लॉक मत करिए, लेकिन लोगों की जान से खिलवाड़ भी मत करिए, उसकी सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम करिए, सीलिंग लगवाइए उस पर, रोड को नीचे से भरवा तो सकते हैं, उस गड्ढे के ऊपर जाल तो रखवा सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सरकारों की महत्वाकांक्षाओं की सड़कें किस कदर बनाई जा रही हैं, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि जब नई सड़कों की मांग हो या निर्माणधीन सड़कों पर मानकों और गुणवत्ता सुधारने की बात हो या बरसात के दिनों से बंद पड़ी सड़कें खुलवाने की बात हो, विधानसभा थराली के अंतर्गत सड़कों को लेकर जबरदस्त उफाल देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल लोगों की सड़कों को लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनियां लगातार दी जा रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग गवाल दम बैजनाथ अल्मोड़ा मोटरमार्ग से सटा ओम मिंग धेरा मिंग बेनौली तल्ली नव निर्मित मोटरमार्ग का है, जिसकी लंबाई मात्र 3 किलोमीटर है, लेकिन इस सड़क पर साल 2019 में PMGSY के अधीन निर्माण कार्य शुरू हुआ था और प्रथम चरण का काम पूरा भी हो चुका है और अब इस सड़क को NPCC नामक संस्था को हस्तांतरित कर दिया गया है और अब इसी संस्था के माध्यम से द्वितीय चरण के लिए भी इसके टेंडर हो चुके हैं। लेकिन बरसात के बाद पिछले 7 महीनों से ये सड़क बदहाली की अवस्था में पड़ी हुई है, जिससे लोगों में साफ तौर पर आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है।
पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी शीतलहर और बर्फीली हवाएं चलने की वजह से कड़ाके की ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार हरिद्वार में रात में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि ठंड पड़ने के साथ ही अगले कुछ दिनों तक भारी धुंध आने के संकेत भी नजर आ रहे हैं। लोग गर्म कपड़ों में लिपटने के लिए मजबूर हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि मौसम इतना ज्यादा ठंड हो गया है कि लोग शाम होते होते अपने घरों में बंद हो जाते हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में लोग सुबह शाम अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, हरिद्वार की तस्वीरें हैं जहां पर बर्फबारी होने की वजह से मैदानी इलाकों में किस तरह ठंड बढ़ गई है, लोग किस तरह अलाव का सहारा ले रहे हैं, वो साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। चमोली जिले के पाणा गांव में शनिवार की रात को भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को दशौली ब्लॉक के दूरस्थ गांव पर ईरानी में रात को आंधी तूफान आने से दर्जन भर से ज्यादा मकानों की छतें उड़ गईं और ग्रामीणों ने रात को जाग कर ही काटी। ईरानी के प्रधान मोहन नेगी ने बताया कि तूफान से काफी घरों को नुकसान हुआ है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि रात के समय आया तूफान ने लोगों के घरों की छतें भी उड़ा दी, साथ ही लोगों के घरों को नुकसान भी काफी हुआ है, जिस वजह से रात लोगों को जाग कर ठंड में बितानी पड़ी। 18 तारीख को रात को 2 बजे को उड़ गई थी और हवा हुआ चक्रवात तूफान, उससे थोड़ा कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है, जिन का पता नहीं चल रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार से कि तुरंत और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है, उसमें से थोड़ा जो भी होता है कि तुरंत या मौका किया जाएगा। पटवारी क्षेत्र हमारा पड़ता है चमोली से, दशहरी से आया जब आया तो 12:30-12 बजे से जब भयंकर तूफान चला था, उसके बाद गंगा सिंह पुत्र इंदर सिंह के मकान सारी जड़ों जड़ उठ गए, वो दिख रहा है यहाँ पे सामने। इसके जरा तुरंत से तुरंत कोई भी विभाग से पटवारी से जरा मौका किया जाए, हमारे तरफ से सारा गांव में कई लोग की भी और छाने भी उड़ रखे हैं, गौशाले उठे हैं। कल रात 18 तारीख को जो 12-1-2 बजे रात्रि से आंधी तूफान पाणा गाँव में चला है, जिससे पाणा गाँव के बहुत ग्रामीणों को बहुत नुकसान हुआ है। किसी की पक्की मकान है वो लिखी है, जैसे पक्की मकान है गंगा सिंह पुत्र स्वर्गीय इंद्र सिंह का मकान पूरी छत उड़ गई है और रात ग्रामीण पूरे उसमें रहे हैं कि बहुत आफत में रहे हैं ग्रामीण, बहुत दिक्कत ग्रामीणों को हुआ है। विश्व प्रसिद्ध और उत्तराखंड की आराध्य देवी मां नंदा देवी की लोक जात वेदनी कुंड में समापन के बाद वापस 6 महीने के लिए अपने ननिहाल देवराड़ा सिद्ध पीठ में प्रवास करने के बाद अब 23 दिसंबर को यहां से विधि विधान और पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार अपने मायके नंदा धाम सिद्ध पीठ करूर के लिए कई पड़ावों से यात्रा कर अपने भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देंगी। आपको बता दें कि मां नंदा देवी यहां की आराध्य देवी ही नहीं बल्कि यहां सभी की लाडली बेटी भी हैं। यहां सभी की भावनाएं नंदा देवी के साथ बहुत गहरी जुड़ी हुई हैं। भादो माह में सिद्धपुर से नंदा देवी लोक जात यात्रा जो विभिन्न पड़ाव से होते हुए नंदा सप्तमी की जात बैठने में संपूर्ण होकर अपने मामा को सिद्धपीठ में 6 माह के लिए मां नंदा करती है। जय मानंदा राज राजेश्वरी कुलिष्ठ देवी भगवती जगदम्बा दुर्गा मैया। एक बार फिर से मानंदा लोकजात 2021 के बाद मानंदा देवी की उत्सव डोली 23 दिसंबर को अपने ननिहाल सिद्धपीठ देवराड़ा से अपने माइक प्रस्थान करेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।